अजय देवगन की सिंघम अगेन वो अपकमिंग फिल्म है जो इन दिनों सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोर रही हैं बॉक्स ऑफिस पर। इस फिल्म का टकराव भूल भुलैया 3 से होगा। दोनों में से कौन सी फिल्म किस पर भारी पड़ेगी इसका खुलासा तो कुछ दिनों में हो ही जाएगा। फिलहाल बॉक्स ऑफिस पर गरजने के लिए तैयार सिंघम अगेन की एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है। रोहित शेट्टी के कॉप यूनिवर्स की फिल्म है। बॉलीवुड में कॉप यूनिवर्स फ्रेंचाइजी फिल्मों की शुरुआत करने का श्रेय रोहित शेट्टी को ही जाता है। 2011 में सिंघम रिलीज हुई थी जिससे काफी अच्छा रिस्पांस मिला था। इसके बाद 2021 में सिंघम 2 ने दस्तक दी जिसकी कहानी ने एक बार दर्शकों के दिलों पर राज किया। अब 1 नवंबर को इसका तीसरा पार्ट रिलीज होगा जिसके लिए फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। अजय देवगन ने इंस्टाग्राम पर पोस्टर शेयर कर इस बात की जानकारी दी कि सिंघम अगेन की एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है। सिंघम अगेन के साथ ही भूल भुलैया 3 भी रिलीज हो रही है। दोनों अलग अलग जॉनर की फिल्में हैं। एक ओर रामायण से कहानी का सार जोड़ती फिल्म सिंघम अगेन है तो दूसरी ओर चुड़ैल मंजुलिका के आतंक से सजी फिल्म भूल भुलैया 3 है। दोनों ही फिल्मों की एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है। कार्तिक आर्यन की फिल्म की पहले दिन 17,000 तक की टिकटें बिकी हैं, तो वहीं सिंघम अगेन की एडवांस बुकिंग के ओपनिंग कलेक्शन के आंकड़े आज शाम तक आ जाएंगे। इसी बीच अगर बुक माई शो पर दोनों फिल्मों का बस देखे तो फिलहाल के लिए भूल भुलैया 3 इस मामले में आगे है। भूल भुलैया 3 और सिंघम अगेन दोनों ही फिल्में 2D में रिलीज हो जाएंगी। दोनों फिल्मों के बीच नेशनल चेन्स में स्क्रीन्स को लेकर खींचातानी चल रही है। इस खबर के बीच एक और खबर सामने आई है जहां हमें पता चला है कि सिंघम अगेन फिल्म को US सर्टिफिकेट से पास कर दिया गया है। ये मूवी 2 घंटे 24 मिनट 42 सेकंड लंबी होगी। तो दोस्तों आप हमें बताइए कि आपको क्या लगता है कि क्या इस बार सिंघम अगेन मारेगी या फिर भूल भुलैया 3। आप अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर शेयर करें और बॉलीवुड से जुड़ी ऐसी ही चटपटी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल बॉलीवुड टशन के साथ।